सारा खान, आप देख रहे हैं न्यूज 21 टीवी। आइए देखते हैं आज की यह खास न्यूज। मैं दीपक शर्मा, आप देख रहे हो न्यूज 21 टीवी। आज हमारे साथ है नगर परिषद पलवल से वार्ड नंबर 23 से पार्षद मोहित गोयल जी, और लगभग इन्हें पार्षद बने 3.5 साल लगभग हो चुके हैं। इन्होंने अपने वार्ड में कितने विकास कार्य कराई, आइए इनसे जानते हैं। तो सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। तो सर, आपको लगभग 3.5 साल पार्षद बने हो चुके हैं, तो आपने अपने वार्ड में कितने विकास कार्य कराए हैं, मुख्य रूप से दर्शकों को बताएं। सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने अपने वार्ड में लगभग आज 4.5 करोड़ रुपए के विकास कार्य कराए हैं, जिसमें नाली, सड़क ये आते हैं, और लगभग 200 के करीब मैंने अपने वार्ड के अंदर लाइटें लगवाई हैं। लाइटें जो लगी हैं वो अलग हैं। इसके अलावा मैं बताना चाहता हूँ, मेरे वार्ड के अंदर जब मैं पार्षद बना तो उस दौरान एक विकराल समस्या थी कि कहते हैं कि शहर के अंदर होते हुए भी मेरा वार्ड शहर के अंदर नहीं था। मतलब ये है कि जब किसी भी आदमी की मूलभूत सुविधाओं में एक पानी आता है, मेरे वार्ड के अंदर पीने के पानी तक की सुविधा नहीं थी। आज मैं इस बात से संतुष्ट हूँ, इस बात को बिल्कुल खुलकर कहता हूँ कि आज मेरे वार्ड के अंदर ऐसा कोई एरिया नहीं, ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ पर पानी नहीं पहुँचता है। उसके बाद मेरे वार्ड में जो सिविल हॉस्पिटल के सामने नाला है, वहाँ से एक रोड जा रही है, उस रोड का इतना गंदा हाल था, इतना बुरा हाल था कि शायद कोई आदमी रात तो बहुत दूर की बात है, दिन में भी नहीं निकल सकता, इतनी बुरी हालत होती थी आज वहाँ बदबू की। आज उस एरिए को, उस जगह को आप देखेंगे, उस सड़क को, वो इतनी अच्छी सड़क बनी है, लगभग उस सड़क की लागत 40 लाख रुपये के करीब की वो सड़क बनी है, RCC की सड़क बनी है, और वहाँ से गंदगी का बिल्कुल नामो निशान ख़त्म हो चुका है। उसके बाद हम बैक साइड रसूलपुर रोड पे जाएंगे, दोनों तरफ नालियाँ बनी हैं, ड्रेनेज सिस्टम जो हुआ है, ड्रेन बनी हुई है, उसका भी लगभग 40 लाख रुपए के करीब की उसकी कॉस्टिंग है। उसके बाद हम अपना श्याम फर्नीचर से लेकर बैंक ऑफ बड़ौदा, इसकी कॉस्टिंग लगभग 42 लाख रुपये की है। पूरे रोड पर टाइलिंग लगी है, टाइलिंग लगने के बाद जो जगह जगह स्पीड ब्रेकर्स लगाए गए हैं जिससे लोग स्पीड में ना निकलें, उस रोड की भी बहुत ज़्यादा हालत खस्ता थी। अब मेरे वार्ड के अंदर एक बहुत बड़ा नाला निकलता है, जिसके अंदर से पूरा जो पूरे शहर के अंदर से होता है वो गुजरता है। उस शहर को, उस जो शहर का जितना भी पानी है वो सारा उसी नाले के थ्रू निकलता है। वो जो पानी है, वो जो नाला है, उसको भी कवर्ड करने का उसका भी टेंडर लग चुका है, वो भी काम बहुत ही जल्दी शुरू होने वाला है। हमारे वार्ड में एक पार्क है, उसमें अभी मैंने अपनी तरफ से वहाँ पर ओपन जिम लगवाए है। ओपन जिम के साथ साथ वहाँ पर सारी की सारी जो परमानेंट, शहर के अंदर एक ही पार्क है जहाँ पर चौकीदार रहता है, वो आज हमारे वार्ड का पार्क है। वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी अभद्र व्यक्ति अगर वहाँ पहुँचता है, कोई भी शरारती तत्व वहाँ पहुँचता है, उसके ऊपर तुरंत पुलिस कार्रवाई होती है। और मेरा अपने वार्ड के अंदर हर आदमी से ये रिक्वेस्ट है, हर किसी से कहा हुआ है कि अगर कहीं भी किसी तरह का कोई वार्ड के अंदर शरारती तत्व पाया जाता है तो आप मेरे पास संपर्क करें, मेरे को एक बार कॉल करें, जिससे कि हम उस शरारती तत्व को पकड़ने में कामयाब हो सकें। आपको बताना चाहता हूँ, मेरे वार्ड के अंदर विकास कार्यों को अगर मैं गिनना शुरू करूँ तो लगभग 4 से 4.5 करोड़ रुपए के विकास कार्य हुए हैं, जिसमें छोटी छोटी गलियाँ भी बहुत हैं। गलियों का आपको बताऊँ, लगभग 1 से 1.5 करोड़ रुपए की केवल गलियों का विकास कार्य हुआ है, और लगभग 1 से 1.5 करोड़ रुपए के करीब की ही नालियों का
विकास कार्य जो है मेरे वार्ड के अंदर हुआ है। मैं जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरे वार्ड में विकराल जो समस्या थी वो पानी की थी। आज मेरे वार्ड में जैसे सरकारी स्कूल है, एक सरकारी स्कूल के नज़दीक एक समरसीबल लगवाया जिससे पानी जब उनको ज़रूरत है दिन के 24 के 24 घंटे पानी, जहां पाँच पाँच एक एक हफ्ते तक पानी नहीं मिलता था, आज वहां 24 घंटे पानी उपलब्ध है। वो भी आज मैं इसमें अगर कहीं सक्षम हो पाया हूं तो उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे वर्तमान के विधायक बड़े भाई दीपक मंगला जी का, नगर परिषद की चेयरपर्सन माता इंदु भारद्वाज जी का है। तो सर आपके काल को लगभग एक डेढ़ वर्ष रह गया है, आपकी भावी योजनाएं क्या क्या हैं जो आपके मन में हो और आप आगे वाले टाइम में कराना चाहते हैं? मेरे वार्ड के अंदर लगभग 30% वार्ड ऐसा है कि जो मैं ड्रेनेज से मुक्त कर चुका हूँ और आने वाले टाइम में मेरा पूरा प्रयास ये है कि इस डेढ़ साल के अंदर ही, वरना जो कुछ हिस्सा रह जाएगा उसको उस डेढ़ साल के बाद मतलब अगली योजना के अंदर सारा का सारा वार्ड ड्रेनेज मुक्त कर दूं। उसके साथ साथ मेरा मुख्य जो टारगेट है कि पूरे वार्ड के अंदर सीसीटीवी कैमरेज लगवाऊं, जगह जगह गेट लगे, सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से रहे। उसके अंदर देखिए कोई भी नगर परिषद हो, नगर निगम हो, या कोई पार्षद हो, या कोई भी एक व्यक्ति पूरे वार्ड को या पूरे एरिए को अपने अकॉर्डिंग नहीं चला सकता। ये बात मैं मानता हूँ कि हर चीज़ के लिए हमें पब्लिक का सहयोग, जनता का सहयोग बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमारा मेन मोटिव ये है कि जो हमारे वार्ड की जो सुरक्षा है वो सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से इजीली कवर की जा सकती है, जिससे कोई भी शरारती तत्व वार्ड के अंदर घुसने से पहले 10 बार सोचेगा, उसको अपने ऊपर कल को मेरे साथ कोई घटना ना घटे उसके अंदर ये भय बना रहेगा। तो सर हम महिला की सुरक्षा के लिए बात करें तो आपने अपने वार्ड में कितने विकास कार्य कराए हैं महिला की सुरक्षा के लिए? देखिए महिलाओं की सुरक्षा आज के टाइम में माना जाए तो हमें प्राथमिकता पर लेनी चाहिए, क्योंकि हाल ही में डॉक्टर रेड्डी वाला कांड हुआ, उसके लिए मैं हैदराबाद पुलिस को भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए जैसा आपने प्रश्न किया उसके अंदर मैंने अपने वार्ड के अंदर लगभग पूरे ही वार्ड के अंदर लाइटें लग चुकी हैं। अगर कहीं कोई छोटा मोटा एरिया रह गया है तो उसके अंदर आगामी 1 से 2 महीने के अंदर वहाँ लाइटें लग जाएंगी, कोई ऐसा वार्ड के अंदर एरिया नहीं रहेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ मैंने अपने वार्ड का एक अलग से प्रपोजल बनवाया है जिसके अंदर सीसीटीवी कैमरे लगेंगे पूरे वार्ड के अंदर, और उनका जो कंट्रोलिंग है मैं खुद CIA मेरे वार्ड के अंदर है, CIA का ऑफिस सिटी पुलिस स्टेशन मेरे वार्ड के अंदर है, उसके अंदर मैं उसका सारा का सारा कंट्रोलिंग वहाँ दूंगा, जिसके अंदर वो जो कैमरेज हैं वो सारा का सारा अपने पार्क को भी कवर करेंगे और पूरे वार्ड को भी कवर करेंगे, कोई शरारती तत्व वार्ड के अंदर ना आ सके। तो सर जो आपके नगर परिषद के जो चेयरमैन हैं इंदु जी, तो उनका आपका विकास कार्य को लेकर कैसा सहयोग मिला? देखिए जो हमारी नगर परिषद की चेयरमैन हैं, मैं उनको चेयरमैन कम माता जाना मानता हूँ, और माता का कहते हैं ना अपने हर बच्चे के ऊपर बराबर स्नेह होता है, पूर्ण स्नेह होता है, उनका मेरे ऊपर तो विशेष तौर पर कहें तो मैं सबसे कम उम्र का पार्षद पलवल के अंदर माना जाता हूँ, तो मेरे ऊपर तो कहते हैं ना बहुत ज़्यादा लाडला भी हूँ, और मेरे किसी काम के लिए माताजी कभी मना नहीं करती। मैंने अपने वार्ड के विकास कार्य के लिए जो भी उन माताजी से बोला उन्होंने हर काम में उनका बेटा काम करो जिससे पब्लिक आपको आगे भी याद करे, पूरा सहयोग मेरे को माताजी का मिलता रहता है हर चीज़ में। और उसके साथ साथ मैं धन्यवादी हूँ अपने बड़े भाई अविनाश शर्मा जी का भी, उन्होंने भी मेरे को समय समय पर मुझे जहाँ उनकी ज़रूरत पड़ी वो मुझे हर जगह खड़े मिले और उन्होंने मुझे हर जगह अपना सहयोग दिया। तो अंत में सर आप अपने वार्ड की जनता को कोई संदेश या कोई मैसेज देना चाहोगे? सबसे पहले मैं अपने वार्ड की जनता का, वार्ड के जनमानस का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले लोकसभा में
हमारे माननीय सांसद जी माननीय कृष्ण पाल गुर्जर जी को भारी मतों से विजयी बनाया। उसके बाद हमारे पलवल के विधायक और हम सबके बीच का एक व्यापारी साथी माननीय श्री दीपक मंगला जी को भारी मतों से विजयी बनाया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे वार्ड में लगभग पोलिंग के 70% वोट दीपक मंगला जी को पड़े। उसके लिए मैं वार्ड की जनता का दिल की गहराइयों से पुनः पुनः धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। वार्ड की जनता ने मेरे ऊपर ये जो एहसान किया है, मैं पूरा प्रयास करूँगा कि वार्ड की इस जनता का इस एहसान को मैं चुका तो नहीं सकता, पर अपनी तरफ से जो काम कर सकता हूँ उसके लिए पूर्ण रूप से अपना काम करूँगा। और मैं वार्ड की जनता से आग्रह करना चाहता हूँ कि मैंने 3.5 साल के अंदर जो काम किए, और हो सकता है मेरे से कोई ना कोई कहीं ना कहीं छोटी मोटी त्रुटि रह गई होगी, उसको भी मैं आने वाले टाइम में ज़रूर ख़त्म करूँगा। और अगर कोई गलती हो उसके लिए मैं मीडिया के सामने सबसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। और अगर कहीं मेरी कोई कमी हो तो आप सबसे अनुरोध ये है कि कृपया मुझे बताने का कष्ट करें, किसी भी बात को इधर उधर अदरवाइज बनाने की बजाय पहले मुझे उस चीज़ की नॉलेज में, मेरी नॉलेज में वो चीज़ डालें। अगर वो चीज़ जेन्युइन होगी, तुरंत समाधान उस चीज़ का हो सकता है, तो मैं हर तरह से वार्ड की जनता के साथ हूँ, शहर की जनता के साथ।